उनका ताल्लुक जो है वो कुछ राइड्स से रिलेटेड है शी इज इन टू द राउडी शी इज़ द ओनर ऑफ राउडी पास मौजूद है मरीना सैयद वैलकम कैसे मरीना बिल्कुल ठीक आप बताएँ बिल्कुल ठीक ठाक व्हाट इज दिस राउडी राउडी का मतलब उससे ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि वाला like, क्या है ये uh, राउडी बेसिकली क्योंकि जब मैंने ये करना था uh, तो मुझे नाम समझ नहीं आता कि मैं क्या नाम रखूँ फिर फिर जब क्या, अच्छा क्यों करना था क्या सोचा क्या था व्हाट डू इट मुझे जब खुद बाइक सीखनी थी एक होता है शौक अच्छा बाइक बाइक सीखनी बाएक थी? थी मुझे सीखनी थी मुझे ऐसी जगह चाहिए था जहाँ मैं जाके बाइक मेरे फैमिली में मेरे पूरे खानदान में कोई बाइक नहीं चलाता लड़के नहीं चलाते हैं लड़कियाँ तो मतलब लड़कियों में तो अलाउ नहीं लड़कों को भी अलाउ नहीं है कि गाड़ी चलाओ बाइक नहीं बहुत रिस्की है डर लगता है पूरे फैमिली को तो मेरे पूरे खानदान में कोई लड़का बाइक नहीं चलाता था अच्छा तो मुझे सीखना था अब मेरे पास ना ना मेरी फैमिली मुझे सिखा रहा है ना उनको पसंद है कि मैं

या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हूँ या मम्मी लेने आ रही है तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी oh. लेकिन hmm. जब एक नीड बन या लेकिन जब ये एक नीड बना तो उस टाइम पे uh, मैंने सर्च किया कि कोई आदमी सिखाए कोई लड़का सिखाए मैं पैसे देकर सीखना चाहती हूँ hmm. कोई जगह हो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली अच्छा नहीं मिल कोई भी जगह नहीं था कोई ऐसे प्लेटफॉर्म था ही नहीं यहाँ पर लड़कियों को सिखाने का ऑफिशियल ऑफिशियल उसके अलावा भी नहीं था अगर मैंने तो मैं, लोग सिखा रहे होते नहीं नहीं उस टाइम पे नहीं था मैं 2013 की बात कर रही हूँ उस टाइम पे नहीं था जब मैं खुद रिसर्च कर रही थी मुझे नहीं मिल रहा था इवन मैंने बहुत सारे लड़कों से भी कहा जब मैं दो में ऑफिस जाती थी पार्ट टाइम जॉब करने यूनिवर्सिटी के साथ तब मैंने अपने कुलिक से कहा कि मुझे सिखाओ अपने बाइक पे अगर बाइक रिएक्ट किया तो uh, मैंने उसको कहा अगर बाइक ख़राब होगी तो आई विल पे कुछ भी होगा तो मुझे कहता था नहीं नहीं बाइक की कोई मसला नहीं है ना तुम्हें कुछ ना हो लेकिन hmm. कभी मुझे उन्होंने बताया नहीं ट्राई नहीं करवाया तो बस इस, इस, इसी इसी सोच में मैंने राउडी को फिर लॉन्च किया कहां से सीखी फिर uh, मैंने बाइक खरीदी वो भी इंस्टॉलमेंट पे कि मेरी सैलरी से कुछ पैसे मैं बचा बचा के बाइक में इंस्टॉलमेंट पे ली उसके बाद आ, पार्ट टाइम जॉब करती थी मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ आप जॉब कर रहे हो बहुत आ, आ, मुश्किल होता है कि सब कुछ करना रात के ग्यारह से बारह अपने गली में जब सब सो जाते थे फिर मैं बिल्कुल अपना गे, 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 गेटअप चेंज करके बाहर निकलती थी कोई मुझे पहचान ना ले कुछ बोले नहीं बाइक के पार्ट्स में यूट्यूब चैनल से देखती थी वहाँ पर एक लड़की थी सारा लजीतो फ्रांस की लड़की आई थी अच्छा तो वो बड़ी हैवी बाइक चलाती है वो पार्ट्स बताती है तो मैं बस उसी है हाँ वो okay. बनाती है वीडियो वो स्टंस, च्छा। स्टंस च्छा। च्छा। राइडर च्छा। है सारा लजीतो okay. तो मैं उसको जब देखती हूँ तो मैं कहती यार बाहर मुल्कों में तो वो लोग बड़े-बड़े बाइक चला रही है हम छोटे नहीं चला सकते। उस टाइम बाइक का नाम नहीं पता था बाइक होती है तो मैं उसको कहती थी जब हाँ जब मैं खुद इस चीज में आगे तो मुझे पता चला चाहिए या फिर चलो सिक्स हंड्रेडर तो वो जब बाइक चलाते था तो तो मुझे मुझे लगता था, बस अब अब तो मुझे नहीं अब मुझे बस सीखना है वीडियो देख के सीखो कुछ भी हो लगे बहुत बार मुझे छोटे लगी है लेकिन मैंने हिम्मत साइकिल साइकिल पहले चलाई थी साइकिल बचपन में आती थी हाँ बैलेंस आती हा, थी तो फिर तो यू कैन साइकिल बचपन में आती थी लेकिन जब बाइक में पहली बार मैं बैठी तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था क्योंकि उसकी आवाज तो अब आपने हाँ एक तो केक लगाना लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किल है हाँ, हाँ तो स्टार्टिंग पे क्योंकि पता नहीं है अब मुझे पता है लड़के बाइक में केक लगाते हैं मैंने लगाने पहन के कैसे लगाए हम नहीं अब इजी है अब सब कुछ इजी है अब कहते हो अगर साड़ी भी पहन लो तो आप चला सकते हो फ्रॉक भी पहन लो आप चला सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है सही तो फिर मेरा पाकिस्तान टूर था कराची टू कश्मीर मुझे उस टाइम पे लगा कि मुझे सब आ गया मतलब मुझे बाइक में सब कुछ आ गया मैं चला सकती हूँ जब मैं सही उस... भी कर लूंगी अगर खराब हो गई कही हाँ तो। तो मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस तो में बहुत थी उस टाइम पे तो जब मुझे एक एक वो था कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना था एक कंपनी का तो मैंने कहा वाई नॉट मैं तो बनूंगी मुझे करनी है ऑफर आया था बड़ी अच्छी सैलरी थी पैकेज अच्छा था तो मैंने कहा कर लूंगी और मैंने सोचा नहीं क्योंकि मैं कभी आयशा मंदिर से बाहर नहीं निकली थी पहली बार मैं कराची से बाहर निकल रही अच्छा okay. उस पर भी मुझे बड़ी स्टेप लेनी पड़ी घर पे देन जब मैं उस टूर पे गई तब मुझे पता चला कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है अभी ख़त्म नहीं हुआ है मतलब बहुत कुछ है no उस टाइम well पे मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे इतनी स्ट्रगल करके सीखना पड़ा और मैं हर बार गिर के सीख रही हूँ कि इस गलती से मैं गिरी हूँ नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगी तो मेरी तरह से बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके शायद फैमिली में अलाउ ना हो सिखाने का शायद उनके पास कोई ऐसी ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो सिखाने का तो उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहती हूँ जहाँ पर वो सीखे टैबो तो की, की तरह से. भी तो यूज़ करते हैं जी एक टापू भी तो आज तक हमारी फीमेल को बाइक पे बैठना नहीं आया इतने खतरनाक तरीके से बैठती है कि इंसान डर रहा है कि वन साइडेड कैसे बैठी सोफा थोड़ी, थोड़ी है भाई बिल्कुल डू वेरी वेरी और तीन 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 एक साथ सेम पोजिशन में वो मुझे समझ नहीं आता मैं तो रास्ते में रुक के बाइक में रुक के हुँ। बोलती हूँ भाई साहब रुको और तीनों को सही से बिठाओ लिटरली मैं रोक के ही बोल देती हूँ बैठने में क्या ऐसे ही बैठती हूँ ऐसे बैठ जा तो रोक देती सबको जब भी मुझे कोई मिलता है क्योंकि Take you, but take you. <laughs> I like uh. <make> that. <laughs>